अब से कुछ ही देर में हर्षवर्धन पहुंचेंगे राजभवन, दिल्ली के उपराज्यपाल से करेंगे मुलाकात। कल उपराज्यपाल नजीब जंग ने हर्षवर्धन से की थी फोन पर बात, सरकार गठन की संभावनाओं पर बातचीत के लिए बुलाया। आज रमन सिंह के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए रायपुर में थे हर्षवर्धन, वहां से लौटकर नजीब जंग से करेंगे मुलाकात। हर्षवर्धन से बातचीत कर सरकार बनाने की संभावना तलाशेंगे उपराज्यपाल, मुलाकात के बाद ही साफ होगी सरकार पर तस्वीर। हर्षवर्धन से पहले उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता वीके मल्होत्रा, विपक्षी दल के नेता के तौर पर आज उनका खत्म हो गया कार्यकाल। सूत्रों के मुताबिक बड़ी पार्टी होने के नाते उपराज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने का दे सकते हैं न्योता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को नहीं मिला बहुमत, 32 सीटें हासिल कर बीजेपी पहले नंबर पर। आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीत कर बिगाड़ा बीजेपी का खेल, दोनों पार्टियों ने कहा विपक्ष में बैठने को तैयार। दिल्ली के घटनाक्रम पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उपराज्यपाल से की बात, सियासी हालात के बारे में जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल से सरकार के गठन को लेकर उठाए जा रहे कदम के बारे में पूछा। सोनिया गांधी को देश की मां बताने पर कांग्रेस में ही घिरे सलमान खुर्शीद, रेणुका चौधरी ने कहा ये पार्टी का नहीं सलमान के अपने विचार। रेणुका ने कहा सोनिया राहुल की मां जरूर, लेकिन वो हमारी नेता, पार्टी और सरकार को दे रही हैं मजबूत नेतृत्व। सलमान खुर्शीद ने एक दिन पहले सोनिया को बताया था देश की मां नेतृत्व के सवाल पर, उन्होंने कहा था हमारे पास मां है। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने भी चुटकी ली, कहा चाटुकारिता कांग्रेस की पुरानी संस्कृति। संसद नहीं चलने के लिए सुषमा ने बताया कांग्रेस को जिम्मेदार, कहा उसी के सांसद नहीं चलने दे रहे संसद। जेडीयू नेता शरद यादव ने भी कांग्रेस पर बोला हमला, कहा हार से बौखला गए हैं कांग्रेस के नेता। नतीजों के चलते वो इतना ब्लो हुआ है कि अब ये बड़बड़ा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, कांग्रेस की मां को देश पर ना थोपे सलमान खुर्शीद। समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा इंदिरा के बारे में भी यही कहा गया था। कांग्रेस में कामराज जी ने भी एक बार कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। कांग्रेस में चाटुकारों की कमी नहीं है, हमारे क्या कमेंट उस पे करें। कुछ लोग राजनीति इसी नाम पर इसी भाषा पे करते हैं, वो उनको मुबारक हो। आम आदमी पार्टी का ऐलान, लोकसभा चुनाव में राहुल के खिलाफ कुमार विश्वास को मैदान में उतारेंगे। औकात है कि देश के सबसे बड़े शाहजादे से लड़ लूं, शहजादे से लड़ लूं, इस देश के अघोषित राजकुमार से लड़ दूं, एक छोटा सा गरीब मास्टर का बेटा हूं, लेकिन लड़ने जाऊंगा। अगर जनता लड़ाएगी तो जनता बताएगी कि फकीर जब जब राजा से भिड़ता फकीर जीतता। कुमार विश्वास पर बिफरे बेनी प्रसाद वर्मा, कहा अमेठी में बहुत है जोकर। क्या लड़ेगा? अरे वहाँ जोकर बहुत है, एक जोकर और पहुंच जाएगा। अरे वहाँ तमाम जोकर लड़ते हैं। कांग्रेस नेता पीसी चाकू का बयान, जो चाहे लड़ सकता है चुनाव, चुनाव लड़ना सबका अधिकार। कुमार विश्वास, संजय और गोपाल राय पहुंचे रालेगांव से भी, अन्ना के अंशन को टीम केजरीवाल का समर्थन। कुमार विश्वास ने सरकार को चेताया, लोकपाल को जोगपाल ना बनाए सरकार। भ्रम में नहीं रहे कि तुम जन लोकपाल के नाम पर कोई जोगपाल बना लोगे और क्रेडिट ले जाओगे, भ्रम में मत रहना। ये हम करने नहीं देंगे तुम्हें, ये देश का कोई नागरिक नहीं करने देगा और अन्ना तुमको नहीं करने देंगे। कुमार विश्वास ने अन्ना को दिया साथ का भरोसा, कहा जब तक नहीं आएगा जन लोकपाल बिल जारी रहेगी आम आदमी पार्टी की लड़ाई। जब तक चलेगा अन्ना का अनशन रालेगांव से भी नहीं रुकेंगे गोपाल राय। अन्ना के अनशन में नहीं शामिल हुए केजरीवाल, सहयोगियों ने कहा केजरीवाल को बुखार। केजरीवाल का आज रालेगांव से भी जाने का कार्यक्रम था, अन्ना के अनशन में होना था शामिल।
अन्ना के अनशन का आज है तीसरा दिन। जन लोकपाल को लेकर अन्ना ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बताया जिम्मेदार। अन्ना ने प्रधानमंत्री, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और बीजेपी नेताओं अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को लिखी चिट्ठी, जन लोकपाल लाने की अपील की। मेधा पाटकर भी पहुंची राड़ेगांव से थी, अन्ना के अनशन में हुई शामिल। कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा लोकपाल बिल, राज्यसभा से पास कराने की होगी कोशिश। राज्यसभा में नारायण सामी पेश करेंगे लोकपाल बिल, बहस के बाद कराई जाएगी वोटिंग। सरकार ने लोकपाल को लेकर बनाई रणनीति, अगर राज्यसभा में कल भी रहा हंगामा तो सोमवार को पेश किया जाएगा लोकपाल। लोकसभा में पास हो चुका है लोकपाल बिल, सरकार के सामने राज्यसभा से पास कराने की चुनौती। एसपी नेता राम गोपाल ने कहा लोकपाल के नाम पर सरकार बना रही है बेवकूफ, लोकपाल बिल को सहयोग का सवाल नहीं। मथुरा में एसपी सभासद की जूते से पिटाई के मामले में पुलिस पर गिरी गाज, जो एक दरोगा और तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष पर अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई, सभासद को अपना ही जूता उतार कर सिर पर मारने के लिए मजबूर करने का आरोप। मथुरा की बांके बिहार चौकी में पुलिस के सामने सभासद को अपने सिर पर जूता मरवाया गया, सभासद ने अपने ही सिर पर मारे 26 जूते। सभासद को कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई गई, नगर अध्यक्ष और पुलिस की मौजूदगी में तमाशा। सभासद को एसपी नगर अध्यक्ष के पैर में गिरकर माफी मांगने के लिए किया गया मजबूर, उसके बाद ही नेता का पसीजा दिल। समाजवादी पार्टी के वृंदावन नगर अध्यक्ष पद के लिए सभासद ने किया था विरोध, उसके बाद दुश्मनी के चलते लगवाए गए जूते। सभासद का आरोप, चौकी में बुलवाया गया, बलात्कार के झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी। मथुरा समाजवादी पार्टी कार्यालय में बुलाई गई बैठक, कार्रवाई को लेकर किया जाएगा फैसला। मथुरा एसएसपी ने माना जूते या चप्पल से हुई पिटाई, सीओ सिटी को सौंपी मामले की जांच। सीओ सिटी से 3 दिन में जांच रिपोर्ट देने को कहा गया, घटना में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता को लेकर उठ रहे हैं सवाल। बीएसपी की मुखिया मायावती को मिला मौका, कहा यूपी में चल रहा है गुंडाराज। मायावती ने कहा एसपी के गुंडाराज का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं, यूपी में नहीं है कोई कानून व्यवस्था। इससे बड़ा और एविडेंस क्या हो सकता है, उत्तर प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था ये बहुत बड़ा एविडेंस है कि यूपी की जो कानून व्यवस्था है बहुत ज्यादा खराब है, वहाँ पे कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। संसद के दोनों सदनों में यूपी सरकार के खिलाफ बीएसपी का लगातार जारी है विरोध, यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र पर डाल रही है दबाव। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर बीएसपी ने अखिलेश सरकार के खिलाफ छेड़ा है अभियान, गन्ना किसानों के मुद्दे पर भी निशाने पर है यूपी सरकार। मुजफ्फरनगर के राहत शिविर में बच्चों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, 24 घंटे के अंदर राहत इंतजाम के आदेश। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिलाया भरोसा, 21 जनवरी तक सरकार दाखिल करेगी अपनी रिपोर्ट। राहत शिविरों में 28 से ज्यादा बच्चों की हो चुकी है मौत, मानवाधिकार के अलावा बाल कल्याण आयोग भी कर चुका है दौरा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को भेजा नोटिस, कोर्ट की अवमानना के फैसले को लागू करने के मामले की मांग के लिए मांगा जवाब।
आर्म्स फोर्स ट्रिब्यूनल के आदेशों के रास्ते में रक्षा मंत्रालय ने लगा रखा है अड़ंगा। 3000 से ज्यादा फैसलों पर अमल नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को दिया झटका। दंगे और आतंक फैलाने के आरोपियों से मुकदमा वापस लेने से किया इनकार। लखनऊ बेंच का आदेश, बगैर केंद्र की सहमति से आरोपियों से मुकदमा वापस नहीं ले सकती यूपी सरकार। हाईकोर्ट की दलील, केंद्र से एक्सप्लोजिव एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत चल रहे मामले हैं। यूपी सरकार ने मुस्लिम आतंकियों से मुकदमा वापस लेने का किया था फैसला, लेकिन मार्च में फैजाबाद की कोर्ट ने मुकदमा वापस लेने से कर दिया था इनकार। फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर की अदालतों में साल 2007 में हुए थे सीरियल ब्लास्ट धमाकों से दहल गया था उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने दिलाई रमन सिंह को शपथ। भारत के संविधान के प्रति रमन सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में आए मोदी, आडवाणी, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने भी शिरकत की। सुबह 11:30 बजे रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में हुआ शपथ ग्रहण। शिवराज सिंह और सिद्धू भी पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर रायपुर में बीजेपी ने की थी जमकर तैयारी, सुरक्षा के रहे कड़े बंदोबस्त। शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार किया गया भारी भरकम स्टेज, सुरक्षा में तैनात थे करीब 2500 जवान। कल राजस्थान में वसुंधरा राजे लेंगी सीएम पद की शपथ। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी भी लेंगे समारोह में हिस्सा। वसुंधरा राजे के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी जोरों पर। वसुंधरा के नेतृत्व में पार्टी ने कांग्रेस को दी करारी शिकस्त। 14 दिसंबर को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी, मोदी भी समारोह में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस नेताओं के निशाने पर दिग्विजय। कल्पना पारूलेकर ने कहा कि हार के लिए दिग्विजय ही जिम्मेदार। कल्पना पारूलेकर ने पार्टी आलाकमान को लिखी चिट्ठी, दिग्विजय सिंह को पद से हटाने की मांग, मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर रखने की अपील। दिल्ली एयरपोर्ट पर बाल बाल बचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, रनवे पर एक ही समय में दो विमान। मंगलवार को रायबरेली से दिल्ली लौटते वक्त टला हादसा, निजी विमान में सवार थे राहुल। रनवे पर पहले से मौजूद था एक विमान, एटीसी ने आखिरी समय में राहुल के विमान को लैंडिंग से रोका। एटीसी ने पहले राहुल के निजी विमान को उतरने की दी थी इजाजत, बाद में पायलट को लैंडिंग कराने से रोका। अमेरिकन बिजनेस जेट को उड़ा रहे थे दो पायलट, डीजीसीए ने घटना की जांच के आदेश दिए। रियलिटी शो बिग बॉस का झगड़ा पहुंचा थाने, बिग बॉस के घर से बाहर हुई सोफिया हयात ने अरमान कोहली के खिलाफ थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। सोफिया का आरोप, बिग बॉस में अरमान ने की थी हाथापाई, हाथापाई के दौरान सोफिया के चेहरे पर लगी चोट। शिकायत के बाद पुलिस ने कराया सोफिया का मेडिकल टेस्ट, फिलहाल कर रही है पूरे मामले की जांच। पिछले हफ्ते बिग बॉस के घर से बाहर हुई थी सोफिया, अरमान बिग बॉस के घर में अब भी है मौजूद। सोफिया का आरोप, घर के अंदर अरमान से कोई नहीं करना चाहता बात, अरमान से हर कोई नाराज। झारखंड के लातेहार में नक्सली हमले में पुलिस के 4 जवान घायल, सभी का चल रहा है इलाज। पुलिस पेट्रोलिंग के समय नक्सलियों के निपोला धावा, एक के बाद एक दो विस्फोट। गाजियाबाद में एक लड़की ने फिनाइल पीकर खुदकुशी की कोशिश की, प्रेमी की बेवफाई से नाराज होकर उठाया कदम। हालात बिगड़ने पर लड़की दिल्ली के अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही है मामले की जांच।
कोलकाता में 55 साल के बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मिली लाश, घर में मिला शव। मुंबई में आज से शुरू हुई वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप, रंगारंग कार्यक्रम के साथ आगाज। वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं 30 देशों की टीम्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में 300 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। 16 दिसंबर तक चलेगी चैंपियनशिप, महिला और पुरुष दोनों वर्गों में आयोजित की जा रही है चैंपियनशिप। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे बारिश के कारण रद्द, मेहमान टीम ने 2-0 से जीती सीरीज। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने जीत के लिए रखा था 302 का लक्ष्य, बारिश के कारण भारत की पारी में एक भी गेंद रही। सेंचुरियन में भी भारतीय गेंदबाजों की हुई धुनाई, डी कॉक और कप्तान डिविलियर्स ने ठोका शतक। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डी कॉक ने की वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, लगातार 3 वनडे में शतक बनाने वाले दुनिया के 5वें क्रिकेटर।